नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानीपत की देशराज कॉलोनी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक बड़ी वारदात पानीपत की देशराज कॉलोनी में अभी कुछ देर पहले ही घटी है। पानीपत देशराज कॉलोनी से इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मनी ट्रांसफ़र की दुकान पर एक बड़ी वारदात को बदमाशों द्वारा अंजाम दिया गया है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दक्षिता कम्युनिकेशन के नाम से ये दुकान है, मनी ट्रांसफ़र की ये दुकान है। और डायल 112 की जो पुलिस टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है, जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए, कुछ देर पहले ही बताया जा रहा है कि बाइक सवार दो बदमाशों ने एक वारदात को अंजाम दिया है और हज़ारों रुपए की नकदी और कैमरे यहां से लेकर फरार हो गए हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पानीपत की देशराज कॉलोनी की ये तस्वीरें हैं और मनी ट्रांसफ़र की ये दुकान है, दक्षिता कम्युनिकेशन के नाम से ये दुकान है। और कुछ देर पहले ही बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाश यहाँ पर आते हैं और फोटो कॉपी कराने की बात कहकर यहाँ से कुछ ही देर में हज़ारों रुपए की नकदी और कैमरे लेकर फरार हो जाते हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को जितना भी शेयर उसके शेयर ज़रूर करें। पानीपत की देशराज कॉलोनी की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आसपास के तमाम जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सभी में दहशत जरूर है, क्योंकि लगातार इस तरह की वारदातें अब पानीपत में लगातार सामने आ रही हैं। और पानीपत की देशराज कॉलोनी में भी एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ देर पहले ही बाइक सवार दो बदमाश आते हैं और एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, डायल 112 की पुलिस टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुँची है और जो आगामी जांच है वो पुलिस की ओर से की जा रही है। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। पानीपत की देशराज कॉलोनी की ये तस्वीरें हैं। देखिए, आसपास के तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, जैसे ही इस वारदात का पता चला, क्या कुछ पूरी वारदात है वो जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, डायल 112 की टीम है वो मौके पर पहुंची है और लगातार जांच की जा रही है किस प्रकार से वारदात ये होती है। सबसे पहले जो दुकान के अंदर था उनसे बातचीत कर लेंगे, बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है, क्या कुछ वारदात है? मेरा नाम गौरव है सर, मैं लैमिनेशन कर रहा था यहाँ पे। उन्होंने मुझे बातों में लगा लिया। दो बंदे आए थे, एक ने रेड कलर की टी शर्ट डाली हुई थी डब्बे वाली, और एक ने ब्लैक टी शर्ट डाली हुई थी और निकर डाली हुई थी, और एक उसने पर्ना ढका हुआ था जो पीछे खड़ा था। तो मैं ये प्रिंटर पे वो चेक कर रहा था, लाइट नहीं आ रही थी। उन्होंने पहले मुझे बातों में लगाया, पूछ रहे थे कि ये कैमरा कितने का है, ऐसे क्या है, बातों में उलझा दिया मेरे को। फिर ये कहने लगे कि कलर्ड फोटो कॉपी हो जाएगी, मैंने कहा हो जाएगी जी, तो कह रहे कर दो। तो इसमें लाइट नहीं आ रही थी, मैं नीचे से वायर वूर ला रहा था तो तब भी नहीं आई। इतना मैं एक दो बार और मैंने देखा ना, और इतना पीछे मुड़े था तो कैमरा भी ले गए थे और ये गले में 70-80 हज़ार पड़े थे वो भी ले गए। 70-80 हज़ार टोटल इतने थे जी। हाँ, कैमरा CP+ था जी, वायरलेस वाईफाई वाला। जिस चीज पे आए हैं? बाइक पे आए थे और इस साइड गए हैं, आए इधर से हैं और गए इस साइड। इस तरह के हाव भाव थे, कुछ चेहरे पर कुछ नकाब वगैरह कुछ था? एक ने परना डाला हुआ था बस, और एक ने कुछ नहीं उड़ा हुआ था। हथियार वगैरह भी थे? हाँ, और यहाँ पे उन्होंने हल्का सा गेट बंद कर रखा था, और जाते वक्त ना जब नजर तो पड़ी मेरी, ले गए थे उन्होंने, ले रहे थे चक्कू, छोटा सा चक्कू। नहीं आ सका, मैं अंदर ही बैठा हुआ था। हाँ जी, तो देखिए, फोटो कॉपी कराने की बात कहकर यहाँ से हज़ारों रुपए की नकदी लेकर रफू चक्कर आ जाते हैं। देखिए, ये गल्ला है, इसी गल्ले की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी गल्ले के अंदर पैसे रखे हुए थे, हज़ारों रुपए की नकदी यहाँ से लेकर बदमाश रफू चक्कर हो जाते हैं, जिसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची हुई है, लगातार जांच की जा रही है। तमाम लोगों से अपील, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। एक बार डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची, एक बार जानकारी लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ पुलिस को जानकारी मिली थी? यहाँ ने कॉल करी थी, 112 कॉल करी थी जी। हम 112 कॉल कर दे, तुरंत प्रभाव से यहाँ पहुँचे। हाँ जी, आइयो, मौके पर लग रहा जी। क्या क्या जानकारी दी थी सर, क्या बोल रहे? ये 60-70 हज़ार रुपये गले से निकाल के ले गया, भाग गया। बाइक पाए थे दो जने, एक ने मुंह पे वो रुमाल बांध रखा था, एक बाइक पर बैठा था जी। ये बता रहे, चला कोई आसपास हिस्ट्री वगैरह कुछ देखा सर? नहीं, अभी आन लग रहा, अभी मौके पर आए थे हम, आ गए, इन पर पूछताछ करी है बस। ये फोटो वोटो उतारे हैं जी, हथियार वगैरह भी बता रहे थे। ये बता रहा था को पिस्तौल पास्तौल ले रहा था, एक जना जो बाहर खड़ा था ना मोटरसाइकिल पर, वो पिस्तौल पास्तौल ले रहा था जी। तो देखिए, डायल 112 की
टीम मौके पर पहुंची हुई है और दुकान के अंदर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से जो आसपास के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। और करीब कितनी देर बातचीत हुई, कितनी देर वो दुकान में रुके? यही 5 से 7 मिनट। पाँच सात मिनट तो ज़्यादा कह दे, मैंने यही 2 से 3 मिनट हुए होंगे ज़्यादा बस, क्योंकि बस वायर हिलाई और चेक करिए तो बातों बुतों में लगाया बस एक या डेढ़ मिनट बस। कितनी उम्र थी? यही करीब 25-30। हाँ जी, तो देख सकते हैं बाइक पर दो बदमाश आते हैं और किस प्रकार से एक दुकान के अंदर हजारों रुपए की नकदी और कैमरे लेकर यहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। एक बड़ी वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया पानीपत की देसराज कॉलोनी से। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे, आप रोते नजर आ रहे थे, क्या बात हुई थी? सर बस हुआ तो क्या था कुछ तो, हम मेरे फादर जी अभी एक्सपायर हुए हैं, 15 दिन हुए उन्हें, उनका एक्सीडेंट हुआ था रोड एक्सीडेंट, उस पर भी ट्रैक्टर वाला चढ़ा के चला गया। कुछ अभी यही 15 दिन के अंदर ये दूसरा केस मिला है हमारे को, यानी कि एक तरह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बस इसी वजह से रोना आ रहा है मुझे तो। और मैं कैश जी सुबह मॉर्निंग में मैंने इसे 30,000 रुपये के आसपास दिए थे, और क्योंकि मैं दुकान पे मैं ही बैठती हूँ फिलहाल तो, लेकिन 2-4 दिन से मैं कई बार स्किप भी कर जाती हूँ, कई बार आ भी जाती हूँ, लेकिन फिर मैं अभी आई हुई थी, लेकिन मैं वॉशरूम गई हुई थी, इतने में आई हूँ, इतनी देर में इसने बताया, एकदम नज़र गई है किसी और कस्टमर की कि आपका कैमरा था वो कहाँ गया, हमने तो तब देखा है, हमें तो पता भी नहीं था कि कैमरा नहीं है। हाँ तब उन्होंने हमारे को बताया, तब हमारा गले पे ध्यान बाद में गया कि भैया इसमें से पैसे भी गायब है। कितना कितना कैश था मैम? जी यही होगा 70-80 के आसपास होगा, ऊपर हो सकता है, कम नहीं था सर इससे। किस लिए रखा था कैश? सर मेरी ट्रांसफ़र की दुकान है, जैसे मनी ट्रांसफ़र आती है तो 30 की एक गूगल पे वगैरह करवाई है किसी ने, 10,000 की एक थी, 3500 की एक थी, और बाकी भी कैश जो 30,000 जो घर से आता है भाई, कोई निकलवाता है तो हम उसको कैश देते हैं, वो सब मिला के टोटल यही कोई 70-80 के आसपास, ऊपर हो सकता है लेकिन कम नहीं थे सर इससे। कैमरा कितने का होगा? कैमरा सर इतना तो मैं कह नहीं सकती, ये मेरे हस्बैंड ने इनको ही बताया इतना तो। किसके नाम से दुकान है, कौन सी जगह है? दुकान मेरी बेटी के नाम से है लेकिन मैं बैठती हूँ यहाँ, ओनर मैं हूँ जी, दक्षिता कम्युनिकेशन के नाम से है जी। कौन सी जगह है ये जी? देसराज कॉलोनी नियर देवी मंदिर रोड, और नियर के आसपास ये वर्मा डॉक्टर लगता है। तो देख सकते हैं पुलिस टीम डायल 112 मौके पर पहुंची हुई है, लगातार जांच की जा रही है, अभी तक आरोपियों का कुछ अतः पता नहीं चल पाया। पानीपत की देशराज कॉलोनी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए दिन दहाड़े किस प्रकार से एक मनी ट्रांसफ़र की दुकान में एक वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, किस प्रकार से बदमाशों के हौसले लगातार पानीपत में बुलंद है। क्या कुछ कहना चाहते हो, क्या कुछ पता चला? सर यहाँ पानीपत में हौसले बहुत बुलंद होते जा रहे हैं, जितने भी यहाँ से किए हैं जो भी सुलफेड़ी हैं सब यही अंजाम देते हैं कि किसी बंदे को लूट लें, दुकानदार में जितने भी आते हैं सब लोगों को वो करते हैं, दूसरी तरफ फोकस करते हैं उसकी तरफ, लूट लें लूटपाट की वो रखते हैं स्कीम की, गल्ला देखते हैं उधर, उसको दूसरा सामान लेने भेज देते हैं, अपना गल्ला लूट के फरार हो जाते हैं, सबकी ये स्कीम है सर। तो आप किस लिए कितना कैश किस लिए रखा था, कहाँ से आया? सर हमने 40,000 रुपये कैश रखा हुआ था, बाकी हम मनी ट्रांसफ़र का काम है, हम वैल्यू डलवाते हैं, ट्रांसफ़र करा लेते हैं सर, इसलिए हमारा काम चलता रहता है रेगुलर में। बताया जा रहा है हथियार भी दिखाया है, उसने एक चक्कू दिखाया है सर, जिसमें चक्कू में ये दिखाया कि भाई किसी को कुछ बोलेगा नहीं, ये बात बोल के उन्होंने फरार हो गए हैं, गल्ला थोड़ा सा खुला हुआ था बाकी उन्होंने खोल लिया सर, उसमें लॉक नहीं था गल्ले के अंदर, इसलिए उन्होंने मौके को अंजाम दे दिया सर। पहले भी कई दिन सारे परिवार में हाँ हमारे मेरे फादर एक्सपायर हुए थे एक्सीडेंट में असंध रोड पे, उसके चक्कर में हम थाने में गए हुए थे, आज थाने से आपसे आए तो लड़के ने हमारे को फ़ोन करा कि ऐसे चोरी हो चुकी है सर। क्या नाम? मेरा नाम संजय है सर। तो ये तो सर एक महीने मतलब पंद्रह दिन के अंदर सर ऐसे दूसरी वारदात होगी, परिवार बड़ा परेशान है इस चीज़ में। हम ना अभी उनकी संजू भाई की फादर की रिपोर्ट लेने माल्टाउन चौकी में गए हुए थे, तभी लड़के फ़ोन आया इनके पास, भैया ऐसे चोरी हो गई है और लूटपाट होगी मेरे पास, तभी हमने 112 फ़ोन किया और मैंने रिपोर्टर को फ़ोन किया, भैया एक बार रिपोर्टर को भेजो, पता चले कि क्या हरकतें हो रही है पानीपत में। ठीक है सर। कैसे इनके फादर की है सर? एक्सीडेंट हुआ था, हाँ ट्रैक्टर के साथ एक्सीडेंट हुआ था, उसकी रिपोर्ट लेने के लिए मालटाउन चौकी में गए हुए थे हम, भाई क्या कार्रवाई हो रही है कि और आगे क्या कार्रवाई करनी है सर उनकी। क्या नाम है? सोनू गर्ग। तो लगता है सर अब पानीपत में जिस प्रकार लगातार वारदातें हो रही है कि आम लोग सर आम लोग तो सुरक्षित है, लेकिन जो नशेड़ी घूमते हैं ना सर, उनसे कैसे छुटकारा पाया जाएगा इस चीज़ में, है ना, नशेड़ी इतने बहुत है पानीपत के अंदर, उसके ऊपर कैसे कार्रवाई की कर सकते हैं? क्या अपील करोगे सर?
अपील किया है सर, हमें तो इंसाफ चाहिए उसमें, है ना, इंसाफ होना चाहिए। हर रोज़ किसी ना किसी के साथ कार्रवाई होती रहती है, पंगे होते रहते हैं। तो बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त पानीपत की देसराज कॉलोनी से आप देख पा रहे हैं, जहां मनी ट्रांसफ़र की दुकान से दिन दहाड़े किस प्रकार बदमाश जो है एक वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं, हज़ारों रुपये की नकदी और जो कैमरा अंदर था वो लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं, दुकान के अंदर आते हैं और फोटोकॉपी निकलवाने की बात कहकर किस प्रकार से एक बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं। डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची हुई है, किस प्रकार पुलिस लगातार जहां जांच कर रही है, लेकिन बता दें कि पानीपत में लगातार इस तरह की जो वारदातें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और आम लोगों में किस प्रकार से दहशत बनी हुई है। तमाम लोगों से अपील है कि इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। पानीपत की देसराज कॉलोनी से इस वक्त ये बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं।